आपको आज लेके चल रहे हैं ऐसे जंगल में, जहाँ पे जंगल के बीचों बीच छोटा सा गांव है। आपको दिखाएंगे लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे वो अपनी शिक्षा हासिल करते हैं, कैसे वो अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हम लोग आ चुके हैं जंगल के करीब, अभी उसी गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी पीछे हमने बताया था आपको कि एक जंगल के बीचों बीच में एक गाँव है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। जंगल में अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही हैं। और ये रहा आपका, ये है आपका जंगल। हम और हमारे दोस्त परवेज भाई, ये देखिए दोस्तों, ये स्कूल है। बच्चे जो जंगल के बीच के गांव से आते हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जंगल के बिल्कुल सामने स्कूल है। अभी दोस्तों हम आपको लेके चल रहे हैं इसके, अभी जंगल के अंदर लेके चलेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल जंगल है, और हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। और ये रहा हमारा जंगल के बीच में ये गांव, देखो तो आप लोग देख पा रहे हैं। अभी हम लोग उसी गांव में चल रहे हैं जिस गांव के बारे में हमने आपको बताया था कि वो जंगल के बीच में है, और अभी आपको पूरा घूम के दिखाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहां से गांव ये ख़त्म हो चुका है, और वहां से हम लोग जैसे पीछे गांव जंगल के बीच में देखा, वो आपको देख आप लोग देख पा रहे हैं वो गांव। और ये हम लोग जंगल के अंदर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों कितना मुश्किल रास्ता है, थोड़ा सा अगर चूक गए तो गिरोगे, बिल्कुल बालू ही बालू है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे परवेज भाई स्कूटी को, अरे अरे भाई देख के देख के देख के, अरे भाई देख के। और ये कौन सा जंगल बोला जाता है, ये भीमनगर गांव का जंगल बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर कोई जानवर वगैरह हैं, जानवर वगैरह कौन से, मतलब शेर थोड़ी है, बाकी और जानवर हैं दोस्तों इसमें। आगे नदी है जंगल के पार, ये देख रहे हैं आप लोग कितना मुश्किल रास्ता है, रेत का रास्ता है बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हमारे दोस्त परवेज भाई वो अटक चुके हैं रेत में, और कितना मुश्किल रास्ता है ये जंगल का। ये देखिए आप, छोटी छोटी खाई हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए सामने पीछे गेहूं का खेत है, और इधर ये जंगल है। जंगल के जानवर हैं जो, तो दोस्तों हम लोग नदी पे आ चुके हैं। देखो बच्चे नदी में मछलियां पकड़ते हुए दोस्तों, ये देखिए पूरा नदी का इलाका है दोस्तों। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पानी नदी का, ये देखिए बिल्कुल ये नदी है, और वो जो पीछे दिख रहा है वो जंगल है। अभी हम उन लोगों के पास चल रहे हैं, देखेंगे यहाँ के बारे में, पूछेंगे कि यहाँ पे आप लोग क्या पकड़ रहे हो, और उस गांव के बारे में भी पूछेंगे कौन से गांव से हैं आप। तो दोस्तों हम उन बच्चों के पास पहुँचने वाले हैं, मछली पकड़ रहे हैं, अभी वहाँ उनसे पूछेंगे आप लोग कौन से। क्या मछली पकड़ रहे हैं आप, हैं कौन सी मछली मिली। कौन से गांव से हो तुम, भीमनगर, ये जो जंगल के बीच में है। और स्कूल वगैरह कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए,
वो जो जंगल के सामने है बहादुर नगर में। ये देखो बच्चों ने छोटी छोटी मछली पकड़ी है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बच्चों से पूछा था कि जंगल के बीच में गांव है और ये वहीं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, और अभी हम आपको आगे लेके चल रहे हैं नदी के किनारे किनारे। ये देखो बच्चे ये मछली का शिकार करते हैं। देखो अभी ये वहाँ पे कर रहे थे, आगे आ गए हैं। अंदर जाओ अंदर। कितना गहरा है अंदर? पानी ठंडा है क्या? वो देखिए एक हमारे दोस्त जो हैं नहा रहे हैं नदी के बीच में। बिल्कुल थोड़ा पानी है नदी में इस टाइम। नदी में पानी किस टाइम आता है? पूरी कब भरती है? क्यों है? पूरी कब भरती है नदी? कौन से टाइम में? धान की सीजन। अच्छा धानों की सीजन में उस टाइम मछली आती है खूब। तो दोस्तों अभी हमने आपको बच्चों से मिलाया था जो जंगल के बीच के गांव के थे, जो मैं बता रहे थे कि यहाँ धान के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाता है, मछली भी आती है। अभी इसमें पानी बहुत कम है, पानी बाढ़ के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया कि हमारे परवेज भाई की जो स्कूटी है वो पूरी जो है अंदर धस चुकी है बालू की, और ये पैदल ले जाते हुए अपनी स्कूटी को, और हम लोग उसी गांव के करीब पहुंचने वाले। देखिए तो कितना गंदा है दोस्तों। काफ़ी घना जंगल है दोस्तों, ये देखिए हम लोग जंगल के अंदर, और हम लोगों को अब रास्ता मिल चुका है। अब हम लोग जाएंगे अपनी स्कूटी से। ये दोस्तों ये रोड पर यहाँ जंगल में ऐसे ही रोड होते हैं। ये गांव के लिए रोड गया, ये अंदर गांव के लिए रोड गया है। अभी हम लोग उसी गांव में फिर वापस जा रहे हैं जो आपको दूर से दिखाया था। अब गांव के पास पर अंदर उसके अभी हम लोग गाँव के अंदर एंट्री करेंगे। हम लोग को दिखाएँगे कि कैसे मकान है वहाँ पर गाँव में। ये देखिए दोस्तों कितना। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं रास्ता कितना पतला है गांव के लिए, और वो देखिए सामने गांव। बिल्कुल छोटा सा गांव है जहां पे लोग रहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये वो गांव रहा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देर से देखिए सामने उस पार भी जंगल है, देखिए वो भी जंगल है पीछे, और इधर भी ये जंगल है दोस्तों, इधर भी ये जंगल है, और ये गांव जो है वो जंगल के बीचों बीच में ही ये रहा है। अभी लोग साइड से चल रहे हैं। गांव के लोग बाहर बैठे हैं। गांव के बिल्कुल गोल में घूम रहे हैं, छोटा सा गांव है बिल्कुल। देख पा रहे हैं दोस्तों गांव में लोगों ने क्या क्या शाम हम बना रहे हैं। ये देखो खाने पीने का इंतजाम है, आलू बोल रहे हैं दोस्तों, के सामने भी जंगल गाँव खत्म होता हुआ।